हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। वाइट e4 हमारी सीरीज का नाम है विनिंग क्विकली विथ e4। और ये इससे पहले मैंने दिखाया था e4 e5 रूल ओबेस के बारे में, एंटी मार्शल के बारे में हमने देख लिया। आज मैं वर्ल्ड फेमस ओपनिंग के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है कैरोकान डिफेंस, जो एनाटोली कारपो और कास्परो की फेवरेट लाइन e4 c6 और d4। यहाँ पे बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है दोस्तों, बहुत सारे इस सीरीज में बहुत पार्ट बनने वाले हैं कैरोकान। तो हमें वाइट से कैरोकान प्लेयर को कैसे हराना है या उसके सामने कैसे बढ़िया सी फाइट देनी है। दोस्तों, कोई भी ओपनिंग में मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि विनिंग पोजीशन या फिर इक्वल पोजीशन, ये ओपनिंग आपको गेम जीता नहीं देती। गेम जीतने के लिए मैं आपको पोजीशन बनाऊंगा, आपको वहां से बेस्ट मूव चॉइस करने होंगे, तभी आप गेम जीत सकते। पहले से ही आप गेम में डाउन नहीं हो जाए, इसीलिए हमें ओपनिंग सीखनी जरूरी है। तो चलिए यहां शुरू करते हैं। कैरोकान डिफेंस e4 ब्लैक प्लेस c6 और यहां पे हम व्हाइट से खेलेंगे d4, जो फेमस मूव है। ओके, अब देखो यहां पे विदाउट d5 और g6, ये दो साइडलाइंस है, मतलब ब्लैक की मेन मूव यहां पे d5 होती है। लेकिन इससे पहले d5 के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेंथी वीडियो बनने वाला है। तो यहां पे विदाउट d5 और g6, तो d5 खेले बिना एक तो g6 है और दूसरे भी लाइन में बताऊंगा। पार्ट टू में हम कैरोकान प्रॉपर देखेंगे, जिसमें ब्लैक d5 खेलता है और हम knight c3, जिसे विनेवर वेरिएशन कहते हैं, हम ये लाइन खेलेंगे। उसमें भी अलग अलग पार्ट है, फोर्थ मूव में Nd7 या Bf5 डिफरेंट तरह के मूव। तो पहले आप देखेंगे पार्ट वन, कैरोकान डिफेंस का पार्ट वन क्या है कि d6, मतलब विदाउट e4 c6, देन d4 और यहां पे ब्लैक d6। यहां आपको रिप्लाई देना है विनावर खेलने के लिए knight c3। चलिए यहां दोस्तों इतने मूव्स नोट कर लीजिए, उसमें तीन भाग बना लीजिए, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए में थर्ड मूव में ब्लैक रिप्लाई देगा knight d7, जिसके बारे में डिस्कस में बताऊंगा। बी में आपको लिखना है queen c7, जो ब्लैक की थर्ड चॉइस है, और सी में ब्लैक की थर्ड चॉइस है e5। अब ये तीनों के रिप्लाई देखिए, ये बेस्ट चॉइस होती है। तो पहले ए विभाग में आपको लिखना है knight d7, इसके सामने आपका रिप्लाई होगा f4। ये दोस्तों रेयर खेले जाने वाली लाइन, तो knight d7, उसके सामने f4, queen c7, जो बी लाइन है उसमें भी आपको f4 ही खेलना पड़ेगा। तो आपके दोनों लाइन में फोर्थ मूव आपका कॉमन हो जाएगा। जो थर्ड सी वेरिएशन है, जिसमें e5 करता है, तो d into e5। दिखा देता हूं यहां पे, knight d7 के बदले queen c7, यहां भी आपको f4 करना पड़ेगा। और थर्ड हम देखेंगे e5, यहां पे आपको सिंपल d takes e5। चलिए तीनों में देखते हैं, knight d7 ब्लैक खेल रहा है, यहां आपको आपको रिप्लाई देना है f4। आज हम तीनों लाइन लिख लेंगे, उसके बाद ब्लैक रिप्लाई देगा e5, क्योंकि सेंटर हमारा बहुत ही पावरफुल है, जिसे ब्रेक करने का ट्राई ब्लैक से अवश्य होगा। यहां पे आपको मारना नहीं है दोस्तों, यहां पे आपको खेलना है knight f3। दोनों साइड पॉन डिफेंडेड है, इधर बिशप डेवलप होगा, इधर नाइट डेवलप होगा। चलिए यहां ब्लैक भी मारने का ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने मारा तो हमारा पीस सेंट्रलाइज होता है। तो ब्लैक की बेस्ट चॉइस होती है क्वीन सी सेवन।
यहाँ एक आपको बढ़िया मूव बताऊंगा, बिशप सी फोर। अब ब्लैक यहाँ पे ई टेक्स डी फोर कैप्चर करेगा सेंटर तोड़ने के लिए। यहाँ आपको क्वीन टेक्स डी फोर। अब ब्लैक का रिप्लाई होगा क्यू बी सिक्स। यहां आपको बिशप ई थ्री, ये एक बढ़िया चॉइस है। पॉन का सेक्रीफाइस, देखिए अगर क्वीन टेक्स बी टू किया तो आपको यहां कैसलिंग करना है। हालांकि ब्लैक एक पॉन अप हो गया है, लेकिन आप देख सकते हो ग्राफ में व्हाइट 1 पॉइंट जितना प्लस, मतलब व्हाइट विनिंग है। हम व्हाइट से विन हो रहे हैं, पॉन डाउन में भी पोजीशन कहती है। ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट बी सिक्स, बिशप पे अटैक। यहां आपको खेलना है बिशप बी थ्री। अब देखो क्वीन के सारे स्क्वायर कंट्रोल हो चुके हैं, तो क्वीन ए थ्री ये ओनली ऑप्शन है, वरना हो सकता है नेक्स्ट मूव में क्वीन ट्रैप भी हो जाए। आई थिंक कंपल्सरी होती है ट्रैप। तो क्वीन ए थ्री के बाद आपको खेलना है नाइट जी फाइव। ब्लैक को रिप्लाई देना होगा नाइट एच सिक्स, क्योंकि ये नाइट एफ सेवन पे अटैक कर रहा है, तो इसका रिप्लाई नाइट एच सिक्स। अब आप देख सकते हो ये पोजीशन में व्हाइट ने कैसल कर दिया है और सभी पीसेस फुल एक्टिव है और फुल अटैक में, इसीलिए व्हाइट को विनिंग बताया। और यहां लास्ट आपको ऑप्शन दे रहा हूं एफ फाइव। अब ये पोजीशन देने के बाद मैं किसी भी प्लेयर को दूंगा खेलने को, तो आसानी से गेम विनिंग हो जाएगा। चलिए क्वीन सी सेवन के हम देख लेते हैं, नाइट डी सेवन के बदले। ओके, यहां पे ब्लैक फोर्थ मूव में क्वीन सी सेवन चॉइस करता है। हम यहां भी खेलेंगे एफ फोर, उसके बाद ब्लैक ई फाइव करेगा, क्योंकि इसमें नाइट डी सेवन नहीं खेला है, डायरेक्ट ई फाइव खेल सकता है। यहां आपको मारना नहीं है, सेम मूव होगा नाइट एफ थ्री। अब ब्लैक नाइट डी सेवन नहीं खेला, क्यों नहीं खेला कि वो बिशप से नाइट को पिनिंग करना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपको सिंपल बिशप ई थ्री डेवलप करना है। ब्लैक अब खेलेगा नाइट डी सेवन, और यहां पे आपके पास चॉइस है एच थ्री, बिशप टेक्स एफ थ्री, ये ओनली होप है, क्योंकि बिशप एच फाइव में बिशप ट्रैप हो रहा है, बिशप एच फाइव में बिशप ट्रैप हो रहा है। आफ्टर बिशप जी सिक्स, तो यहां पे ओनली ऑप्शन क्या है, बिशप एफ थ्री, मतलब नाइट मार, बाकी सारे मूव में बिशप ट्रैप हो रहा है, इसीलिए एच थ्री हमें बेस्ट लगा। यहाँ पे क्वीन इंटू एफ थ्री। अब ब्लैक खेलेगा नाइट जी एफ सिक्स, यहां आपको करना है लॉन्ग कैसल। ब्लैक खेलेगा बिशप ई सेवन, और इसके बाद आपके पास अनदर अग्रेसिव अटैकिंग मूव जी फोर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे किंग साइड कितना अटैक हो गया है, और व्हाइट के सारे पीसेस डेवलप हो चुके हैं, लॉन्ग कैसल भी हो चुका है। व्हाइट हैज अ स्लाइट एडवांटेज 1.21 प्लस, मतलब व्हाइट इज विनिंग, ड्रॉ भी नहीं है इसमें, विनिंग करना आपको आना चाहिए। चलिए इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मिडल गेम की पजल्स, एंड गेम की पजल्स करते रहना है। जो प्लेयर बहुत सारी पजल्स करता रहता है उसी की गेम बहुत ही पावरफुल रहती है। जितने भी सुपर ग्रैंड मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है, आईएम है, वो ज्यादातर लोग पजल्स ज्यादा करते हैं। चलिए यहां पे हम डी सिक्स के बाद नाइट सी थ्री, और यहां पे हम क्वीन सी सेवन, नाइट डी सेवन देख चुके। अब मैं आपको दिखाऊंगा ई फाइव वाला मूव। E5 हमारे लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम पॉन टेक्स पॉन करेंगे, ब्लैक पॉन टेक्स पॉन करेगा, और यहाँ पे आप क्वीन इंटू D8 करके कैसलिंग ब्रेक कर लोगे। आफ्टर किंग इंटू D8 यहाँ आपको खेलना है F4। ब्लैक रिप्लाई देगा BD6 डेवलप करके, क्योंकि E क्रॉस F4 में आपका बिशप प्ले में आता है,
तो बी डी सिक्स बढ़िया है। यहाँ पे आपको अप्रोच ई फाइव मार देना है, भले उसका बिशप सेंट्रलाइज हो जाए, उसके बाद आपको सिंपल बिशप डी टू करना है, ब्लैक रिप्लाई देगा एफ सिक्स और आपको यहाँ कर देना है लॉन्ग कैसल। बस इतने मूव है, काफी है आपको पोजीशन अच्छी करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे कैरोकान डिफेंस में चैप्टर टू, जिसमें जी सिक्स वाला वेरिएशन विदाउट डी फाइव। तो पूरी सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बहुत मजा आएगा, पूरी ओपनिंग आप ई4 से तैयार कर लोगे। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।